संजय दत्त इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे हैं। संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है और वो इस बीमारी को पूरी ताकत के साथ मात देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों की दवाइयां तो अपना काम कर ही रही हैं, साथ ही कैंसर से जंग के खिलाफ इस वक्त संजय दत्त का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है उनका परिवार। पत्नी मान्यता दत्त और दोनों बहनें प्रिया और नम्रता दत्त। 28 अगस्त को संजय दत्त की छोटी बहन प्रिया दत्त 54 साल की हो गई। प्रिया के जन्मदिन के मौके पर संजय ने अपनी बहन के नाम बेहद इमोशनल नोट लिखा है। संजय ने इंस्टाग्राम पर प्रिया के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, थैंक यू मेरे जीवन में हमेशा स्थिर रहने के लिए। मैं आपको दुनिया की सभी खुशियों की कामना करता हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं। बेहद कम शब्दों में एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन के लिए अपने दिल की सबसे बड़ी भावना व्यक्त की है। रक्षाबंधन के मौके पर भी संजय ने अपनी बहनों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपनी बहनों पर दुलार लुटाते दिखे थे। साथ ही संजय ने लिखा था, हालांकि आप दोनों ही मुझसे छोटी हो लेकिन मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो, हमेशा मुझे प्रेरित करते हो और हमेशा मेरा साथ निभाते हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, हैप्पी रक्षाबंधन। ये तो सब जानते हैं कि प्रिया और नम्रता संजय की जिंदगी में क्या अहमियत रखती हैं। प्रिया भले ही संजय से छोटी हैं, लेकिन वो हर वक्त संजय का बड़ी बहन या माँ की तरह ख्याल रखती हैं। कई मौकों पर प्रिया को संजय दत्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखा गया। 8 अगस्त को जब संजय को लंग कैंसर की बीमारी के बारे में पता चला, उस दौरान भी प्रिया दत्त संजय के साथ थी। संजय की पत्नी मान्यता दत्त उन दिनों दुबई में थी, लेकिन प्रिया और नम्रता के होते हुए संजय को परिवार की कमी महसूस नहीं हुई। मान्यता के साथ साथ प्रिया और नम्रता का परिवार संजय का इमोशनल पिलर है। नम्रता दत्त के पति कुमार गौरव संजय के सबसे करीबी दोस्तों में से हैं। जब तक मान्यता दुबई से मुंबई नहीं लौट आई, दोनों बहनें अपने भाई के साथ ही रहीं और उनकी देखभाल में जुटी रहीं। बीते दिनों संजय दत्त को कोकिलाबेन अस्पताल में देखा गया। संजय वहां अपनी कीमोथेरेपी के लिए आए थे। उस दौरान भी संजय के साथ प्रिया दत्त ही मौजूद थी। प्रिया ने संजय का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पार्कर से मुलाकात भी की और संजय के मेडिकल केस को लेकर उनसे बातचीत भी की। कैंसर से संजय की इस जंग में प्रिया सबसे आगे खड़ी दिख रही है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब प्रिया को संजय के साथ उनका सहारा बनते, उनका हौसला बढ़ाते देखा गया है। इससे पहले जब संजय को मुंबई बम धमाकों की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर होना होता था, उस वक्त भी प्रिया संजय के साथ खड़ी नजर आती थी। हालांकि जब संजय ने मान्यता के साथ शादी की थी, उस वक्त प्रिया और नम्रता दोनों ने ही भाई के इस फैसले का विरोध किया था। नाराज भी हुई थी, लेकिन खून के रिश्ते के आगे ये नाराजगी ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई थी। बहनों का प्यार संजू की जिंदगी में फिर लौट आया था। पिछले साल संजय ने प्रिया दत्त के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। संजय दत्त हर मौके पर अपनी बहनों का समर्थन करते दिखे हैं, लेकिन इस वक्त संजय को अपनी बहनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रिया और नम्रता दोनों ही ये बात अच्छे से समझती हैं, तभी तो वो इस मुश्किल वक्त में संजय के साथ साथ मान्यता की भी हिम्मत बढ़ा रही हैं। बहरहाल खबरें हैं कि संजय दत्त को 5 साल के लिए अमेरिका का वीजा मिल चुका है। संजय दत्त जल्द ही अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। दत्त परिवार के साथ साथ संजय के करोड़ों फैंस की भी यही दुआ है कि वह इस जंग में भी फतेह हासिल करके लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।